राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बिहार में राजनीतिक घमासान के बाद नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने और एनडीए के साथ सरकार बनाने पर तीखा हमला किया है। डोटासरा ने कहा कि वो तो पलटू राम है, चले गए दिल्ली में बैठकर बीजेपी के आका यही तो काम करते हैं। पहले महाराष्ट्र में सरकार गिराई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में गिराई थी, मणिपुर में भी आपने देखा ही होगा, राजस्थान में भी चेष्टा की थी लेकिन कामयाब यहां पर नहीं हो पाए। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही है, पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा है, तो ये लोग करेंगे, किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे, ईडी को भेजेंगे और किसी को जेल भेजेंगे, किसी पर झूठे मुकदमे भी लगाएंगे और किसी के यहां पर सीबीआई भी भेजेंगे, किसी के यहां पर इनकम टैक्स भेजा जाएगा। तो ये इनके अस्त्र हैं, सरकारें दोबारा जनता से नहीं बनाकर ये अपने अस्त्र चलाकर सरकारें बनाना चाहते हैं। ये तो प्रयोग है जो लोकतंत्र के लिए गलत है, लेकिन ये प्रयोग किए जा रहे हैं। वो तो पलटू राम है, चले गए क्या है, वो तो दिल्ली में बैठे बैठे जो दिल्ली में बीजेपी के आका है वो यही तो काम करते हैं। पहले महाराष्ट्र में गिराई थी, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में गिराई थी, मणिपुर में आपने देखा ही होगा, राजस्थान में भी चेष्टाएं हुई, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही है, पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा है, तो ये सारी तो ये लोग करेंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, किसी को ईडी में भेजेंगे, किसी को जेल भेजेंगे, किसी पे झूठे मुकदमे में लगाएंगे, किसी के यहाँ सीबीआई भेजेंगे, किसी के यहाँ इनकम टैक्स भेजेंगे। ये तो इनके अस्त्र हैं, सरकारें पुनः जनता से नहीं बना करके और अपने ये अस्त्र चला करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं। ये तो ये प्रयोग है, ये प्रयोग करते रहते हैं, गलत है लोकतंत्र के लिए लेकिन कर रहे हैं, सरकार चलाने का, लोगों के काम करने का। लेकिन जो दो महीने से हम जो लोग देख रहे हैं, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजनाएं थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना हो, इंदिरा रसोई की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की बात हो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो 500 बच्चों को बाहर विदेश में फ्री में पढ़ाने की बात हो, तमाम वो सब चीजें थी, लेकिन फिर भी जो है वो सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए। अब हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये लोग बाग अच्छा करेंगे, लेकिन जो दो साल का इनका जो रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं है, एक भी फैसला ये ले नहीं पाए हैं। मंत्रिमंडल बनाने में, उनको विभाग देने में 50 दिन लगा दिए, और जो राजस्थान की विधानसभा में हमने देखा है कि जो इनके जवाब आ रहे हैं, जिस तरीके से लड़खड़ाते हुए जवाब दे रहे हैं, उसमें सारी योजनाएं, चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना की बात हो, सबको बंद करने की का इशारा वो लोग बात कर रहे हैं, और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं हो रही है, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।